सब्सक्राइब करें एसएन टेक्निकल चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मिल सके वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है स्विच बोर्ड वायरिंग किस तरह की जाती है एवं इसका कनेक्शन किस तरह होता है। आज के वीडियो में हम प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। ये हमारे पास हाउस वायरिंग में ओपन फिटिंग का एक स्विच बोर्ड है जिसमें यह वायर आ रहे हैं, तो इनका कनेक्शन हम आज के वीडियो प्रैक्टिकली समझने वाले हैं, जिसमें हम समझेंगे फैन का कनेक्शन किस तरह किया जाता है, 5 पिन सॉकेट का कनेक्शन किस तरह होता है और अदर डिफरेंट डिफरेंट लाइट का कनेक्शन किस तरह होता है, सभी को समझने हम वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। इसमें हम इन्वर्टर की वायरिंग नहीं देख रहे हैं, इन्वर्टर की वायरिंग के ऊपर एक वीडियो हम और बनाएंगे ताकि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाए। चलिए हम पहले समझ लेते हैं कौन कौन से वायर यहाँ पर आए हैं। यह येलो वाला वायर, यह जो है येलो वाला वायर आपका न्यूट्रल है और ब्लू वाला वायर जो है यह फेज है जो कि एमपीवी से फेज आया है, और यह वाला जो येलो वायर है यह अर्थिंग का है। यह इतने इतने वायर इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि ये यहाँ से लूपिंग होकर आगे गए हैं। चलिए, और यहाँ यहाँ पर आपको इस बोर्ड में 5 सॉकेट 5 पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें एक फैन का है और 4 लाइट के कनेक्शन है। तो जो फैन का वायर है उसको पास समझ सकते इस तरह का निशान किया गया ताकि हमें समझ में आ जाए कि फैन का वायर कौन सा है। चलिए अब हम उस बोर्ड को देख लेते हैं जिसमें हमें कनेक्शन करना है। यह वह बोर्ड है जिसका कनेक्शन हमें वहां पर करना है। उससे पहले हम समझ लेते कौन कौन से कंपोनेंट यहाँ दिए गए हैं। तो यह 4 लाइट के स्विच हो गए, एक फैन का और यह फैन रेगुलेटर हो गया, दैट मीन्स 5 पॉइंट हो गए, और छठा स्विच हमारा जो है यह 5 पिन सॉकेट का है एवं यह एक फ्यूज कनेक्ट किया गया है। दैट मीन्स कोई भी यदि फॉल्ट आता है तो हमारा यह फ्यूज मेल्ट हो जाएगा और हमारा सर्किट प्रोटेक्ट रहेगा। यदि हम पूरे कमरे की लाइट ऑफ करना चाहते तो फ्यूज को निकाल देंगे तो हमारी लाइट ऑफ हो जाएगी। और यह एक इंडिकेटर दिया गया है जो हमें बताता रहेगा हमारे बोर्ड में सप्लाई आ रही है। चलिए इसका कनेक्शन किस तरह किया जाएगा हम पहले यह समझ लेते हैं। तो पहले हम फेज की वायरिंग समझ रहे हैं, फेज हमें कहाँ कहाँ पर देना होगा। तो फेज हमें सबसे पहले फ्यूज में देना होगा। तो इस फ्यूज से निकलता हुआ जैसे ही हमारे यहाँ पे फेज देखे तो इस फ्यूज से निकलेगा, और इस फ्यूज से निकल के हमें इस स्विच में के नीचे की तरफ देना है। आप ऊपर की तरफ भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें सभी स्विच के नीचे की तरफ और इंडिकेटर में भी हमें फेज और न्यूट्रल देना होता है। तो फेज हमें इंडिकेटर में भी देना है और सभी स्विच में भी देना है। दैट मीन्स यहाँ पर भी हमें कनेक्ट करना है और यहाँ पे भी एक लूपिंग कनेक्ट करना है। तो सभी स्विचों में हमें फेज नीचे की तरफ करना है प्लस इंडिकेटर में देना है, और ऊपर की तरफ से हाफ जो कंपोनेंट कनेक्ट होंगे हाफ ऊपर की तरफ हम कनेक्ट कर देंगे। चलिए हम प्रैक्टिकली पहले स्विच में इतना कनेक्शन कर लेते हैं, फिर न्यूट्रल की वायरिंग समझेंगे। चलिए जिस तरह हमने समझा है उसी तरह इसकी वायरिंग को पहले हम कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा फेज आएगा, वह जाएगा इस फ्यूज से निकलता हुआ जाएगा सभी स्विचों के नीचे की तरफ, जैसा हमने समझा था। तो जितने भी स्विच है सभी स्विचों में हम नीचे की तरफ इस फेज को कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ हम ज्यादा वायर इसलिए कनेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें फेज को नीचे भी लाना है, नीचे के स्विचों में भी, इसलिए ज्यादा वायर यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं। और इसी तरह लूपिंग बनाते हुए हमें सभी स्विचों में फेज को पहुंचा देना है। और ध्यान रखें आप इस तरह की लूपिंग ही बनाए, कई पर्सन क्या होते हैं, कई इलेक्ट्रिशियन क्या करते हैं कि छोटा वायर एक छिल लेते हैं और इस वायर को छिल के सभी जगह डाल देते हैं, इससे उनका टाइम बच जाता है, बट इससे कई तरह के नुकसान भी होते हैं। तो आप इस तरह की लूपिंग ही डाले, जस्ट आप वायर छिलके ना डाले। चलिए इस फेज को हम इस इंडिकेटर में भी कनेक्ट कर लेते हैं क्योंकि इंडिकेटर में फेज और न्यूट्रल दोनों देना होते हैं। फेज हमने कनेक्ट कर लिया है, अब जो हमारी लूपिंग आई है उस लूपिंग को हम नीचे के स्विच में भी कनेक्ट कर लेते हैं और दूसरे वाले स्विच में जो कि 5 पिन सॉकेट को चलाने वाला स्विच है उसमें भी कनेक्ट कर लेते हैं। दैट मीन्स सभी स्विचों में हमारा फेज पहुंच चुका है। अब इसके आगे की वायरिंग किस तरह होगी समझ लेते हैं। अब हम आगे का कनेक्शन समझ लेते हैं किस तरह हमें आगे कनेक्शन करना होगा। तो इस बोर्ड में हमें 2 जगह न्यूट्रल कनेक्ट करना है, पहला इंडिकेटर में और दूसरा 5 पिन सॉकेट में। तो दोनों जगह हम पहले न्यूट्रल को कनेक्ट कर लेते हैं। अभी हम इंडिकेटर में कनेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स इंडिकेटर में फेज न्यूट्रल दोनों पहुंच चुका है और इस 5 पिन सॉकेट में हमें यहाँ पर न्यूट्रल देना है। तो यहाँ पर हम न्यूट्रल को कनेक्ट कर देते हैं, दोनों जगह हमें बस न्यूट्रल देना है। और इसके अलावा फैन रेगुलेटर का कनेक्शन, तो फैन रेगुलेटर हम बेसिकली सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो इसे हम क्या करेंगे, स्विच के ऊपर की तरफ कनेक्ट कर देंगे। हमने फेज नीचे दिया है तो इसे ऊपर की तरफ कनेक्ट करेंगे। जैसे हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो फैन रेगुलेटर को सीरीज यहाँ उस वायर से फेज आएगा और यहाँ पे हमें फैन का हाफ देना है दूसरे वाले में। तो हम स्विच को ऊपर की तरफ इसे कनेक्ट कर देते हैं, दूसरा वाला वायर जो होगा रेगुलेटर का वो जाएगा हमारे जो फैन का हाफ है, जो फैन को जा रहा है वहां पर कनेक्ट होगा। तो फैन का कनेक्शन हो गया है बोर्ड में। यहाँ पे हमें मेन फेज देना होगा जो हमारा फेज आ रहा है, और आप इंडिकेटर में भी दे सकते हैं प्लस 5 पिन सॉकेट में भी न्यूट्रल दे सकते हैं, दोनों में से कहीं भी दे सकते हैं। दोनों में से कहीं भी हमें न्यूट्रल कनेक्ट करना होगा जो आ रहा है, एवं यहाँ पे हमें जो अर्थ आ रहा है अर्थिंग देना है। अब हमें क्या करना है, 5 पिन सॉकेट को स्विच से ऑन करना है।
तो इस स्विच के ऊपर वाले सिरे से हम एक वायर कनेक्ट करेंगे और 5 पिन सॉकेट जहां पे हमें फेस कनेक्ट करना है उसे कनेक्ट कर देंगे। दैट मीन जैसे हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो 5 पिन सॉकेट में सप्लाई जाएगी और 5 पिन सॉकेट को फेज और न्यूट्रल हमारे दोनों मिल जाएगी। अब हम आगे कनेक्शन समझ लेते हैं, इस बोर्ड को हमें किस तरह सेट करना है। सबसे पहले जैसे हमने देखा तो जो हमारा फेज आया है जो कि एमपीपी का फेज होगा उसे हमें इस फ्यूज में ऊपर की तरफ कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम इस फेज को कनेक्ट कर देते हैं क्योंकि अब हमारा फेज यहाँ से सभी जगह पहुंच जाएगा। अब हम न्यूट्रल इस इंडिकेटर में भी कनेक्ट कर सकते हैं और इस 5 पिन सॉकेट में भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम न्यूट्रल को इस 5 पिन सॉकेट में कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ से हमारे इंडिकेटर को भी जो न्यूट्रल है वह पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे हम न्यूट्रल को कनेक्ट कर देते हैं और ऊपर की तरफ हमें अर्थिंग कनेक्ट करना होगा 5 पिन सॉकेट में। तो हमारा 5 पिन सॉकेट का कनेक्शन यहाँ पे कम्प्लीट हो गया है। अब हम फैन रेगुलेटर का कनेक्शन समझ लेते हैं। तो फैन रेगुलेटर का एक वायर हमने स्विच में पहले ही दे दिया था और यह वाला वायर जैसे हमने पहले ही कहा था इसे हमें फैन का जो हाफ है वहां पर देना होगा जो कि फैन को जा रहा है। तो यहाँ पर हम इस हाफ में इस फैन रेगुलेटर के दूसरे वाला वायर को कनेक्ट कर देते हैं। तो अभी हम इसे कनेक्ट करके देख सकते हैं, आप यहाँ पे टेप लगा दिया है। बाकी जो बचे 4 हाफ उन्हें हमें जिस वायर जिस स्विच से जिस हाफ को चलाना है उसे हम कर सकते हैं। तो हमें चारों स्विचों के ऊपर की तरफ इन्हें कनेक्ट करना है, चारों हमारे यह लाइट के वायर है। आप जिस स्विच से जिस पॉइंट को कंट्रोल करना चाहे वहां पे उसे कनेक्ट कर दे ऊपर की तरफ। यह एक बल्ब का कनेक्शन हो गया है, यहाँ पर हम इसे दूसरे बल्ब में कनेक्ट कर देते हैं। दैट दूसरे बल्ब का कनेक्शन हो गया है और इसी तरह हम चारों पॉइंट के जो चारों हाफ जा रहे हैं जो कि हमारे बल्ब में जा रहे हैं चारों पॉइंट को इस तरह हम कनेक्ट कर देंगे। दैट मीन्स चारों बल्ब हो गए, वो जिस स्विच से हम कंट्रोल करना चाहते हैं उस स्विच से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये तो जस्ट हमारा स्विच बोर्ड की वायरिंग हमने देखी। आगे चल के हम इन्वर्टर की वायरिंग और हाउस वायरिंग में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के किस तरह गीजर की वायरिंग की जाती है, गीजर को रिपेयर किस तरह किया जाता है, आगे चल के हम और भी हाउस वायरिंग से रिलेटेड वीडियो बनाते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताओ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें क्योंकि इससे हमें पता चलेगा आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं और हम आगे भी आपके लिए ऐसे टेक्निकल वीडियो बनाते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।